अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मुनाजी वेद योर कंप्यूटर टीचर एंड नाउ इट्स अवर कंप्यूटर लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी विल रीड चैप्टर नंबर 8 एडिटिंग सेल कंटेंट्स इन 2013। इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी रीड अबाउट चैप्टर नंबर 8 एंड नाउ इन दिस चैप्टर वी रीड द अबाउट सेल एडिटिंग सेल कंटेंट्स। अब हम बात करते हैं एडिटिंग सेल कंटेंट्स। एडिटिंग शो द विद द नेम, एडिट मतलब किसी भी तरह की कोई भी चीज़ को रीन्यू या उसमें किसी भी तरह की एडिटिंग करना। सेल कंटेंट्स मीन्स जो एक एक्सेल शीट के अंदर जो सेल्स होते हैं, आप देख लेते हैं, ये जो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एक्सेल इज कॉल्ड सेल। ये जो एक एक बॉक्स है इसको सेल को कहा जाता है। तो इसमें में किसी तरह के जो हम राइटिंग करते हैं लिखने में, अगर हमसे कोई प्रॉब्लम हो जाए या हमसे लिखा गलत जाए तो उसको हम एडिट कैसे करेंगे, उसको हम रिमूव कैसे करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, गलतियां हमसे 3-4 किस्म की हो सकती हैं। जब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किसी भी तरह की कोई भी राइटिंग लिखी है, हमने वो सारी के सारी जो राइटिंग है वो हमने, यानी कि जो भी हमने एक्सेल शीट के अंदर लिखा है, हमने सारे का सारा वर्ड ही गलत लिख दिया, तो इसको हमने हर वर्ड को रॉन्ग लिख दिया। तो इट मीन्स कि हमने जो भी राइटिंग लिखी है वो हमने सारी के सारी गलत लिख दी। हमने यहाँ पर एवरेज लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर एवरेज नहीं लिखना था, हमने यहाँ पर परसेंटेज लिखना था। जस्ट फॉर एग्जांपल, हमने एवरेज के स्पेलिंग में किसी तरह की मिस्टेक नहीं हुई, बल्कि हमसे पूरे का पूरा वर्ड एवरेज ही हमने गलत लिख दिया। हमने इस एवरेज की जगह वी वॉन्ट टू राइट परसेंटेज इंस्टेड ऑफ एवरेज। नाउ वी विल एडिट द सेल नंबर C2। हेयर द नेम ऑफ द C2 मतलब इट्स द सेकेंड रो and third column, it means it's C2. Here we want to write percentage instead of average. Now we should edit it. First of all, we can edit by three ways. हम इस तरह की मिस्टेक को three ways से edit कर सकते हैं। First of all, चले हम edit करते हैं, फिर बाद में आकर इसको करेंगे। एडिटिंग सेल कंटेंट, क्लिक द सेल दैट कंटेन द डाटा यू वांट टू एडिट। अब उन्होंने अब लिखा हुआ है कि हमने जोन से डाटा को, जोन से हमने वर्ड को या जोन से भी चीज़ को हमने एडिट करना है, वहाँ पर हम जाकर क्लिक करेंगे माउस कर्सर को एंड देन क्लिक एनी वेयर ऑफ द फॉर्मूला बार। और हम फॉर्मूला बार में भी एनी वेयर, क्यों फॉर्मूला बार में किया जा सकता है? बिकॉज मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो भी सेल कंटेंट्स हमने लिखे होते हैं, सेल के अंदर जो भी कंटेंट, यानी कि जो उसके अंदर मवाद या जो भी राइटिंग, जो भी वर्ड होते हैं, वो फार्मूला बार पर भी शो हो रहे होते हैं। तो इसलिए फार्मूला बार के भी किसी भी जगह पर जाकर आप एडिट कर सकते हैं और सेल कंटेंट के अंदर। द स्टार्ट एडिट मोड, एडिट मोड स्टार्ट कर दें। पोजिशन द कर्सर इन द फार्मूला बार एंड लोकेशन डेट यू क्लिक। और अगर उसके अंदर से कोई आपने एडिटिंग करनी है, कोई स्पेलिंग को एडिट करना है, तो वहाँ से जाकर उसके स्पेलिंग को, पोजीशन को एडिट करेंगे। एंड यू वांट टू एडिट, देन प्रेस F2, और फिर F2 को भी प्रेस कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। अभी हम रीडिंग कर रहे हैं ओवरराइटिंग के बारे में, क्योंकि हमने जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी वर्ड मिस्टेक की, जैसे कि यहाँ पर एवरेज और परसेंटेज की, इसको कहा जाएगा ओवर राइटिंग। मतलब हमने एक पूरी राइटिंग को ख़त्म करके दूसरी राइटिंग को उसके ऊपर ओवर करना है, लिखना है, तो इस वाली मिस्टेक को ओवर राइटिंग कहा जाता है। और इसके अंदर हमने इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला बार पर हमने रीड आउट किया, माउस पॉइंट को कर्सर करेंगे, प्लेस करेंगे जहाँ पर पूरी राइटिंग को हमने एवरेज परसेंटेज को रीड आउट, कर्सर को प्लेस करके हमने पूरे का पूरे एवरेज प्लेस को बैक स्पेस कर देंगे और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। और दूसरी हमारे पास एक और ऑप्शन भी है कि हम यहाँ से ही कर्सर के अंदर, सेल के अंदर ही हम इसको एडिट कर सकते हैं, सेल के अंदर ही हम लिख कर इसको रेज करके और दोबारा से भी ठीक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम क्या कहते हैं, हम फॉर्मूला बार के अंदर जाके ठीक करें, लेकिन ये दोनों वेज हैं कि आप यहाँ पर भी सेल के अंदर भी ठीक कर सकते हैं और
फॉर्मूला बार के अंदर जाकर भी ठीक कर सकते हो। तो कोई भी चीज़ अगर आपने मंथ को भी ठीक करना है, यहाँ पर मंथ की जगह आपने ईयर लिखना है, ईयर स्टेटमेंट आपने शो कर रहे थे एंड देन यू वांट टू बी राइट द ईयर ऑफ इन स्टेड ऑफ मंथ, यू शुड राइट, यू शुड एडिट हेयर एंड इन द फॉर्मूला बार बोथ प्लेस। इसको कहा जाएगा ओवर राइटिंग, जब आपने पूरे का पूरे राइटिंग को ही चेंज करना है। नाउ द सेकेंड इज़ पार्शल मॉडिफिकेशन। पार्शल मॉडिफिकेशन के बारे में हमने थोड़ा सा पहले भी रीड आउट किया था कि पार्शल का मतलब आपको वर्ड से ही शो हो रहा है। पार्शल मीन्स छोटा सा पार्ट, उसके किसी भी वर्ड के पार्ट को आपने मॉडिफाई करना है, एडिट करना है, ठीक करना है। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, आपने स्पेलिंग को रीन्यू करना है। आपने लिखते वक्त स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, या फिर आपने लिखते वक्त नंबर्स में जब आप फॉर्मूला जब आप नंबर्स में डाटा लिख रहे थे कि इस मार्क्स शीट के अंदर, जस्ट फॉर एग्जांपल आप मार्क्स लिख रहे थे तो आपने 10, 20, 30 इस तरह मार्क्स थे, तो आपके वो मार्क्स के 23, 22 इस तरह के मार्क्स की नंबरिंग में मिस्टेक हो गया। आपने उसको एडिट करना है कि 23 की बजाय आपने 22 लिख दी है, तो आपने इसको 23 दोबारा रीन्यू करना है। तो सिर्फ आपने 22 तो रेज़ नहीं करना, लेकिन आपने सिर्फ 23 को रेज़ करके 2 करना है। तो इसको कहा जाएगा पार्शल मॉडिफिकेशन। नाउ वी रीड देयर व्हाट आर द टू वेज टू एडिट द सेल कंटेंट्स। कौन से दो तरीके हैं जिसकी मदद से हम सेल कंटेंट्स को एडिट करते हैं। यू कैन एडिट द सेल कंटेंट्स डायरेक्टली इन द सेल, हम रीड आउट कर सकते हैं ओवरराइटिंग के बारे में। यू कैन ऑल्सो एडिट द सेल कंटेंट बाय टाइपिंग द फार्मूला बार, हम फार्मूला बार के अंदर भी टाइपिंग कर सकते हैं। ये तो उसका प्रोसीजर है जो कि ये दोनों तरह की मॉडिफिकेशन में यूज़ हो सकता है। व्हेन यू एडिट द सेल कंटेंट, एक्सेल इज़ ऑपरेटिंग इन द एडिट मोड। और जब हम सेल कंटेंट्स को एडिट कर रहे होंगे, एक्सेल जो है वो एडिट मोड में शो हो रहा होगा। और आज मैं आपको सेव करने के बारे में भी एक्सेल में बताऊंगी कि हाउ वी कैन सेव अ फाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें साइड पर जो क्रॉस बटन बना होता है, जब आप क्रॉस बटन को प्रेस करते हैं किसी भी एक्सेल शीट में, तो भी उससे भी आपकी सेव की ऑप्शन आ जाती है। फिर आप उसको मैसेज बॉक्स आता है, मैसेज बॉक्स से आप उसको यस करेंगे तो वो सेव हो जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल इन द टॉप ऑफ द पेज, ये क्रॉस बटन से भी आप सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद फाइल में जाके आप सेव कर सकते हैं, और ये भी सेव बटन है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।